Hello everyone, my name is Vasna and welcome to my channel, the best Christmas present in the world, duniya ka sabse acha Christmas ka tohfa. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Kuch aise tarikh या समय अवधि दुनिया की इतिहास में है जो इतने अहम है कि हर कोई उन्हें जानता और याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. कहानी जो आप पढ़ेंगे ऐसी ही एक तारीख और घटना का जिक्र करता है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स. एक युद्ध ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज. क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा वॉर था ये? ये वॉर था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. आई स्पॉटेड इट in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk. मैंने इसे Bridgeport के एक junk shop में देखा, एक roll top desk को. roll top desk जिसके ऊपर किताब कॉपी या कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी लोग रख लेते हैं उसी को कहते हैं desk. उसमें बहुत सारे drawers भी होते हैं. The man said it was early 19th century and off. उस आदमी ने कहा कि ये 19th century से पहले का है और off का है. उस आदमी ने मतलब shopkeeper ने junk shop कहते हैं जहाँ पर used सामान मिलते हैं यानी second hand सामान मिलते हैं या फिर कबाड़ की दुकान को भी junk shop कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर यूज्ड सामान जहां मिलते हैं वहां की बात हो रही होगी. बिल्कुल. तभी तो इसने कहा कि मुझे मिला या मैंने पाया, क्योंकि स्पॉटेड का मतलब होता है देखना या फिर पाना, यानी इसे कुछ मिला वहां पर. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे एक चाहिए था पर वे बहुत महंगे होते हैं. This one was in a bad condition. The rolled up in several pieces. One leg clumsily mended. Scratch marks all down one side. ये खराब कंडीशन में था. Rolled up कई pieces में थे. एक पैर अनाड़ी तरीके से रिपेयर था. जले हुए निशान नीचे हर तरफ थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. ये बहुत कम प्राइस में पड़ रहा था, यानी बहुत कम प्राइस में मिलने वाला था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा मैं इसे सुधार सकता हूँ. रिस्टोर का मतलब फिर से जमा करना या फिर किसी चीज को फिर से ठीक करना सुधारना को भी रिस्टोर कहते हैं. इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. ये एक रिस्क हो सकता था, एक चैलेंज हो सकता था, पर मुझे ये चाहिए था. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माय वर्क रूम एट द बैक ऑफ माय गैराज. मैंने उस आदमी को पे किया और इसे अपने वर्क रूम के पीछे ले आया, अपने गैराज के पीछे. आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैं इस पर काम करने लगा क्रिसमस ईव पर. क्रिसमस ईव कहते हैं क्रिसमस से पहले की शाम को. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने
रॉयल टॉप को पूरी तरह से रिमूव कर दिया और ड्रॉर्स को दराज जो भी उसमें दराज थे उन्हें खींचा। द विनील हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवर। पुल आउट का मतलब ये भी होता है कि खींचकर निकाल दिया या फिर निकाल दिया, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं। विनील, विनील कहते हैं सन माइका को। तो इसकी द विनील हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सन माइका लगभग हर तरफ से उठी हुई थी, यानी कि जो सन माइका किसी भी आप फर्नीचर में देखेंगे कि सन माइका जिसमें लगा होता है वो जब खराब होने लगता है तो वो उठने लगता है, तो वही चीज ये कह रहा है कि हर तरफ से सनमैका उठा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये मुझे लगा या प्रतीत हुआ जैसे पानी से डैमेज है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी दोनों ने स्पष्ट तौर पर इसे इस डेस्क को डैमेज किया था। टेकन देयर टॉल ऑन का मतलब होता है डैमेज्ड, यानी डैमेज किया हुआ, तो इसको डैमेज किया था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्ट्रक फास्ट। आखिरी ड्रॉअर वो टाइट बंद था, यानी वो सारे ड्रॉर्स को खींच रहा था, बाहर निकाला था, तो जो आखिरी ड्रॉर था वो टाइट बंद था। स्ट्रक फास्ट मतलब शट टाइट, यानी टाइटली बंद। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू एज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसे आसानी से इसे धीरे से निकाल लूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। आखिर में मैंने क्रूर फोर्स यूज किया, फोर्स शक्ति। मैंने ब्रूट फोर्स का मतलब या तो उसको मारपीट ठोक कर निकालने की कोशिश किया, इसलिए यहां पर क्रूर फोर्स, क्रूर शक्ति कहा जा रहा है। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने अपने मुट्ठी के किनारे से इस पर तेज प्रहार किया और ड्रॉर तेजी से खुल गया। इसके नीचे कम गहरा स्पेस दिखाने के लिए, यानी कि ये खुल गया तो इसके नीचे एक कम गहरा एक स्पेस दिखाई दिया। अ सेक्रेट ड्रॉर, एक गुप्त ड्रॉर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, इसमें कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं इसमें पहुंचा और एक छोटा सा काला टीन का बॉक्स निकाला। इसमें पहुंचा से मतलब है कि हाथ वहां तक पहुंचाया। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। इसके ऊपर पंक्ति पर नोट पेपर का एक टुकड़ा सेलो टैप किया हुआ था। एंड रिटेन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, और ये कांपते हुए लिखावट में इस पर लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बर्ड विद मी वेन द टाइम कम्स। ये चीज इसमें लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ। ये समय आने पर मेरे साथ दफन हो जाएगा। आई न्यू
as I did it that it was wrong of me to open the box. But curiosity got the better of my scruples. ये करते हुए मैं जानता था कि ये मेरे लिए गलत था बॉक्स को खोलना, लेकिन जिज्ञासा मेरी झिझक पर भारी पड़ गई। स्क्रपल्स का मतलब होता है झिझक, या फिर झिझक की फीलिंग किसी काम को करने से पहले कि फीलिंग आए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो फीलिंग पर उसकी जो जिज्ञासा थी वो भारी पड़ गई। इट यूजुअली डज, ये आमतौर पर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, इन बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, एड्रेस को पढ़ा गया, इसको रीड नहीं बल्कि रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये पास्ट की बात है, ये समझ में आ रहा है और तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों की स्पेलिंग सेम होती है रिट की, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसकी वो रिट पढ़ी जाती है और सेकंड और थर्ड को रेड पढ़ते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को रेड पढ़ते हैं। मिसेस जिम मैक पर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट डॉरसेट, ये एड्रेस उस पर लिखा हुआ था जिसको कि पढ़ा गया, यानी इसने पढ़ा। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को लिया और इसे खोला, अनफोल्डेड किया मतलब खोला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप पर ऊपर डेट किया हुआ था, यानी कि डेट लिखा हुआ था, वो डेट था December 26, 1914। इसका मतलब पता चलता है कि मिसेज जिम के पास ये पत्र आया था और ये जो लिखा हुआ है ये सारा कुछ वो मिसेज जिम ने कहा है कि समय आने पर ये मेरे साथ दफन हो जाएगा, और ये जिम का आखिरी पत्र जो कि समय आने पर मेरे साथ दफन हो जाएगा। इसका मतलब एक वाइफ के पास उसके हस्बैंड का ये लेटर है जिसके बारे में वो एक नोट ऐसा उस पर लिखकर सेलोटेप से चिपका दिए है। वो उसका लास्ट लेटर क्यों था, क्या हुआ था, ये सब कुछ हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आगे की कहानी देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।